देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने पहले एपिसोड का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेतो और गोजो को एक मिशन मिलता है कि उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करना है और तभी उन पर क्यू ग्रुप अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेतो आराम से अपने लिए चाय बनाता है और ये उसी कमरे में था जिसमें धमाका हुआ था। यहाँ पर रिको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश थी। वहीं वो क्यू सोल्जर कोकुन जिसने धमाका किया था वो गेतो से माफी मांग रहा था क्योंकि गेतो की एक स्पिरिट ने उसे जकड़े हुए था और वो कोकुन को किस करने की कोशिश कर रहा था। कोकुन गेतो से कहता है कि वो कर्स एनर्जी यूज करना छोड़ देगा और वापस अपने गांव जाकर खेती करने लगेगा, लेकिन गेतो ऐसे दिखाता है जैसे उसने कोकुन की बात सुनी ही ना हो। अब इससे कोकुन गुस्सा हो जाता है और बताता है कि उनके क्यू ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर बेयर भी यहाँ आया है और वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा। तभी गेतो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने उसे एक फोटो सेंड की थी। गेतो ये फोटो कोकुन को दिखाता है जिसमें गोजो ने ऑलरेडी बेयर को हरा दिया था। अपने सबसे पावरफुल मेंबर की हार के बाद क्यू ग्रुप पर ताला लग जाता है। इसके बाद हम एक बोट रेस अरेना को देखते हैं जिसमें तोजी फुशीगिरो बैठा हुआ था जिसे सॉसरर किलर भी कहा जाता है। कॉन्ग उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है तो तोजी उसे बताता है कि वो रेस पर पैसे लगाने आया था जबकि अब तक वो एक भी बैट नहीं जीता है। कॉन्ग तोजी को उसका काम याद दिलाता है कि उसे स्टार वेसल को मारना है, जिस पर तोजी कहता है कि वो बराबर की लड़ाई में गोजो को कभी नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने कुछ गुंडों को वहाँ भेजा है जिनसे लड़ने में गोजो थोड़ा थक जाएगा और फिर वो अटैक करेगा। इसके बाद तोजी रेस पे लगाए पैसे हार जाता है। कॉन्ग उसे सलाह देता है कि वो सट्टेबाजी पर कम ध्यान दे और जाने से पहले वो तोजी से पूछता है कि मेगुमी कैसा है, मगर तोजी को याद ही नहीं आता कि मेगुमी आखिर कौन है। इधर होटल में गोजो और गेतो आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं और ये भी कि काश वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर पाते, बिल्कुल शोको के जैसे जिससे घायल इंसान को हील किया जाता है, लेकिन शोको इन्हें वो टेक्निक सिखा ही नहीं पाई। इतने में रिको को होश आ जाता है। वो देखती है कि गोजो ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो उसे भी कोई गुंडा समझकर उसे एक चांटा जड़ देती है और दोनों लड़कों को उससे दूर रहने को कहती है। ये तो उसे समझाता है कि वो लोग तो उसी को प्रोटेक्ट करने आए हैं, पर रिको उसका बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हारी तो शक्ल पर ही झूठा लिखा हुआ है। ये सुन दोनों रिको को बुली करने लगते हैं। तभी उसकी केयर टेकर मिसातो यहाँ आ जाती है और रिको को समझाती है कि ये लोग उनकी साइड है। रिको देखती है कि मिसातो एक कर्स के ऊपर बैठी हुई थी। ये तो एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है जिसकी मदद से वो कर्स स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो उन्हें बोलता है कि जैसे उन्होंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। उन्हें लगता था कि ये दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी बॉडी टेंजन से मर्ज होने वाली है, जिस पर रिको कहती है कि उसे गर्व है कि वो मास्टर टेंजन की वैसल है और मर्ज के बाद वो और टेंजन एक हो जाएंगे। लेकिन गेतो और गोजो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और गोजो गेतो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वो रिको का मजाक उड़ाते हैं, उसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे। और तभी रिको को याद आता है कि आज तो उसे स्कूल जाना है और रिको की रिक्वेस्ट के लिए सभी उसके हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो यागा से पूछता है कि उन्हें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा है, लेकिन यागा बताता है कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी, ये मास्टर टेंजन का आदेश है। जो सुन गोजो उसे बिगड़ैल लड़की कहता है, पर गेतो उसे समझाता है कि मर्जर होने के बाद वो टेंजन बन जाएगी और हमेशा जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी अपने फैमिली या फ्रेंड्स से नहीं मिल पाएगी, तो उसके आखिरी समय में हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। मितासो आगे कहती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है, जब वो छोटी थी तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, तभी से मितासो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए वो भी चाहती है कि अपना आखिरी दिन वो अपने दोस्तों के साथ बिताए। ये सुन गेतो मितासो से कहता है कि यानी कि तुम उसकी फैमिली हो। फिर गोजो गेतो से पूछता है कि उसकी कर्स्ड स्पिरिट्स का क्या हुआ जिन्हें उसने निगरानी रखने भेजा था। गेतो चेक करता है और गोजो से कहता है कि हमें तुरंत रिको के पास जाना होगा क्योंकि उसके दो कर्सेस को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ तोजी होटल में बैठकर खाना खा रहा था और टीवी पर रेस देख रहा था। उसने कॉन्ग से कहकर रिको के सिर पे बाउंटी भी लगवा दी थी, यानी जो भी रिको को मारेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और इसीलिए कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल आ गए थे। अब गेतो उस कर्स यूजर को मारने जाता है।
वहीं मितासो और गोजो रिको को खोजने भागते हैं। कॉन्ग तोजी को कॉल पर बताता है कि रिको अब भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर तोजी से पहले किसी और ने रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसे मिल जाएगा और तोजी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उसका बॉस ये भी कह रहा था कि तोजी को हायर करने से अच्छा तो वो शुरू से ही रिको के सिर पे इनाम रख देते। तोजी एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ गोजो है, सैकड़ों साल में वो पहला ऐसा है जिसके पास लिमिटलेस और सिक्स आइस ये दोनों टेक्निक्स हैं। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार पाएगा। तोजी कॉन्ग से कहता है कि वो बाउंटी को 47 घंटों तक चलने दे, उसके बाद वो सारा पैसा वापस उसके पास भेज दे। इतना कहकर तोजी कॉल को कट कर देता है। इधर स्कूल में गेतो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जिसने दो शिकिगामी समन किए थे। वो गोजो की यूनिफॉर्म देखकर ही समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाई से है और हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गेतो भी दो छोटे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है जिससे कर्स यूजर समझ जाता है कि गेतो के पास कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो गेतो को हरा देगा क्योंकि गेतो यंग है तो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद वो क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गेतो एक बड़े से केचुए कर्स को बाहर निकालता है जो कि शायद उस कर्स यूजर को निगल जाता है। ये सोचकर गेतो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कर्स यूजर साइड से आकर उस पर अटैक करता है, पर तभी उसे अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। इस कर्स यूजर के पेरेंट्स इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे क्योंकि वो कर्सेस को देख सकता था, सिर्फ उसका डॉग ही था जो बिना डरे उसके साथ रहता था। लेकिन उसे मरे तो 50 साल हो गए थे। अब कर्स यूजर को समझ आता है कि उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने दिख रही थी। इसके बाद गेतो कर्स यूजर को मार कर उसकी हालत खराब कर देता है क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है और शुरू से ही वो यही चाहता था। अब ये तो उससे पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया है, क्यू या टाइम वेसल एसोसिएशन। इधर गोजो सीधा रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और बाकी लड़कियां गोजो को देखकर उस पर लट्टू हो जाती हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये जरूर रिको का बॉयफ्रेंड होगा, पर रिको बहाना बनाती है कि ये बस उसका कजिन है। वो गोजो को उसके ग्लासेस निकालने को कहती है और गोजो भी सबको पोज देने लगता है। इनकी टीचर भी चुपके से गोजो को अपना नंबर दे देती है। फिर गोजो चुपके से रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोजो अब रिको से कहता है कि वो सीधा जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ किसी से लड़ाई हो गई तो रिको की फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। तभी हम एक कर्स यूजर को देखते हैं जिसने अपने सिर पे एक बैग डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ मितासो आ जाती है और पूछती है कि उसे किसने भेजा है। इसके बाद मितासो सिर्फ एक झाड़ू से उस पे अटैक कर देती है और उसे हरा भी देती है। तभी गेतो भी यहाँ आ जाता है। उस बूढ़े से पता चल गया था कि रिको के सिर पे 30 मिलियन का इनाम है और उसकी टाइम लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है और वो ये बात गोजो को कॉल पर बता देता है। वहीं इधर गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। रिको पूछती है कि क्या ये शिकिगामी है, जिस पर गोजो मजाक में कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स की वैसे ही कमी है, तो तुम अगर नौकरी करना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कर्स यूजर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। अब गोजो अपनी कर्स टेक्निक से 2 क्लोन्स को आपस में ही टकरा देता है। इसके बाद 2 और क्लोन्स गोजो पर हमला करने आते हैं, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाते और फिर गोजो उन दोनों को भी पीट देता है। इस कर्स यूजर की टेक्निक यही थी कि वो खुद के 5 क्लोन्स बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि इन क्लोन्स में उसकी मेन बॉडी कौन सी होगी, यानी कि अब जो 5वां क्लोन बचा है वो ही मेन बॉडी है। यूजर पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला, जिस पर गोजो बताता है कि उसकी आंखें अच्छी है। इसके बाद गोजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, जैसे इन्फिनिटी या टेक्निक ब्लू, जिससे गोजो किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्स यूजर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गोजो फिर अपनी टेक्निक ब्लू यूज करता है जिससे वो और कर्स यूजर एक जगह पर खींचे चले आते हैं। इसके बाद गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करने लगता है, लेकिन वो उससे एक्टिवेट ही नहीं होती क्योंकि गोजो को अब तक रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक तरह से नहीं आती थी। तो गोजो एक सिंपल मुक्का मार के उस कर्स यूजर को हरा देता है। इस पूरी फाइट के दौरान रिको गोजो के साथ ही रहती है और गोजो की पावर की वजह से वो उसके साथ साथ उड़ रही थी। वो गोजो की पावर देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देख वो चौंक जाती है क्योंकि मितासो को किसी ने किडनैप कर लिया था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, तोजी आखिर कब लड़ाई के मैदान में उतरेगा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि गेतो जैसा अच्छा इंसान विलन बन गया, ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो उन एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस ना